उस्ताद जी हिम्मत करो, मुड़े गयो। उस्ताद जी पहले मुड़ चलाओगे या डंड फेलोगे? अरे सारे काम मैं अकेले कर लूंगा के, काम तो सारे ही होने। और चल रहा पौवे मुगदल छा, मेरे शरीर की नस नस तोड़ दे, मेरा शरीर सा खुल जाएगा। साले तुम दोनों पे मिलके मेरे शरीर की मालिश भी ना होती। उस्ताद जी तुम्हारे शरीर को पहले तेल पिला दूं, उसके बाद फिर मालिश करेंगे? हाँ ऐसा कर ले। और हाँ मेरे सुसरे, तुझे बैठक गिनने गिनने में सांस चढ़ रहा, और तू एक काम कर, मुझे दूध धरा ना जी, उसे देखा गर्म होगा के। ठीक है मनोहर पहलवान जी। मनोहर पहलवान नहीं, जामा पहलवान। या तो गामा पहलवान हो जाता, या मैं जामा पहलवान हो जाऊं। समझ गया? हाँ उस्ताद जी समझ गया। चल निकल। तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सरिया तोड़े मन ने। अरे कहाँ हो भाई सब? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। खेल रे, पढ़ते ना हो? आ लिए। हाँ आ लिए भाई। क्या लिए, बस दुखी हो रहे हैं। अरे कुछ नहीं। के बात होगी अब? क्या बताऊं, पटवारी, बीडीओ कानून को, एसडीएम, रजिस्ट्रार, फिर गवाह, बईस वसीयत ने भी परेशान कर दिए बहुत। जैसे गोदनामे में दुखी हो रहे, अब भी ऐसी हो रहे हो के? बस नू समझ ले, वैसी ही परेशानी फिर आ गई है। उसमें भी इस मनोहर के माँ बाप की, कहीं रजामंदी लाओ, कहीं गवाह लाओ, कहीं कुछ लाओ, तब जाके तो गोदनामा हुआ था। इब इस वसीयतनामे ने परेशानी कर दी। वही परेशानी वही उस गोदनामे में हुई थी, वही इस वसीयत में हो रही। नाच जा उत्ते का इस कालिया का। मेरे बालक को ऐसा उठा के ले गया कम्मा खत। आज मेरा बालक होता तो मुझे ये परेशानी उठानी ना पड़ती। क्या कर सके, जो ईश्वर ने रच रखा होगा तो वही। अर दुखी ना होया कर तू भी, देख ले बहू ने अगर चाय बनवा रखी हो तो चाय पिलवा दे। ए पुष्पा जी। माँ। ए अपने पिताजी को चाय लिया और मीठा मत डाल दिए। ठीक है माँ। ये बालक क्यों इतनी आलतार रहे, ये पढ़ते ना क्या? क्यों भाई बाल को, थारा पढ़ने का टाइम ना हो रहा? इनकी मैडम ना आ रही। पिताजी ये लो चाय। ला बेटा। बेटा ये बालक क्यों ना पढ़ रहे, इनका पढ़ने का टाइम ना हुआ क्या? इनकी मैडम एक दिन की छुट्टी कह के गई थी, आज 3 दिन हो गए अब तक तो ना आई। तो तुमने मुझे क्यों ना बताई यह बात पहले? तय इनकी मैडम को फोन करके देखूं। मैडम से बात करके देख लूं। हेलो। हेलो हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार बाबूजी। हाँ मैडम जी आप आए नहीं, क्या बात हुई? बाबूजी बुरा मत मानना, रोज रोज इतनी दूर मैं नहीं आ सकती। मैडम जी ऐसा कैसे होगा, बच्चे देखो ये तो आपके ही भरोसे हैं। मैं इतनी दूर से नहीं आ पाती हूँ, आप अपने बच्चों के लिए दूसरी मैडम का इंतजाम कर लो। मैडम जी हम आपको फीस भी बढ़ा के दे देंगे। देखो ऐसा ना करो, बच्चों का साल खराब हो जाएगा, इन्हें साल पढ़ा दो, आगे हम देख लेंगे कुछ और। सॉरी बाबूजी मैं नहीं आ सकती। क्या कह रही है मैडम? बस भाई कुछ नहीं, मैडम ने भी मना कर दिया। कुछ ये बालक ना पढ़ते, कुछ इनका बाप पढ़ाने को तैयार नहीं, माँ इनकी नहीं ने पढ़ाती, क्या होगा इन बालकों का? वो पढ़ावे पर ये पढ़ते तो ना, उसे पहलवानी करने से फुर्सत नहीं, और इससे ये बालक पढ़ते नहीं, नू तो ये बालक बिगड़ जाएंगे। बिगड़ ही गए और क्या होगा, देख कहा था पढ़ लो, अब भी बैठे खेलने लग रहे यहीं। बहू, ए बहू, बहू। हाँ पिताजी। बेटा जब लोग किसी का इंतजाम हो तो ही पढ़ा लिया करना इन्हें। पिताजी मेरे साथ पढ़ते हैं बालक। बस भाई मनोहर कहाँ है? होता कहाँ, वही होगा अखाड़े में, वही कर रहा होगा पहलवानी। बस भाई इसके भी अखाड़े ने काटे हम तो, यो अखाड़ा लेके रहेगा इसे तो। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, 12 दिन यह पहलवानी चलती रहेगी। अरे कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। पिताजी तुम्हें गर्व होना चाहिए कि थारे घर में इतना बड़ा पहलवान पल रहा है। हाँ मारी तो छाती गर्व से फटन कोई ना हो रही। उस्ताद जी दूध पियो। अरे बादाम गिरे इसमें? हाँ उस्ताद जी 2 बादाम गिरे पीस के। और एक काम करिए कल से 2.5 कर दे। और हाँ
मुझे ऐसा लग रहा कि बादाम से काम नहीं चल रहा, अब घी भी खाया करेंगे। क्या बात, हम सही कह रहे हो उस्ताद जी, घी तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। आज तक तो तुमने डिब्बे के चारों तरफ चम्मच घुमाई, इब तुम्हें चम्मच डुबानी भी पड़ेगी। तो चुप गिनती गिन ले। अरे इतना के कम मैं घी खा रहा हूँ? आजकल घी किसे मिल रहा और किस पे झिल रहा? घी तो बड़ी जान से झिले। बाबूजी आज एक बहुत खुशी की बात है, हमारे उस्ताद जी ने 11 डन 25 उठक बैठक मार के 3 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिंदाबाद। ओ उकचुक, 11 दंड मार के यू बनेगा किंग कोंग? 25 साल का हो लिया यो, 3 बालकों का बापू, काम धंधा इस पे होता ना है? और करवा रहे पहलवानी, पहलवान बन रहा है। अरे किसी दिन इस ट्यूब पे लटका पाओगा, जान निकली पाओगी तेरी, समझ गया? बालकों को पढ़ा लेकर जाके। पिताजी तुम्हें कुश्ती का ज्ञान तो है नहीं, जितने बड़े बड़े पहलवान हुए ना वे सारे शादी के बाद हुए, इतिहास ठा लो। और हाँ, जब मैं पंजाब हरियाणा राजस्थान बागपत कुश्ती लड़ के आया करूँ ना और जीत के आया करूँगा, और जब मेरी तस्वीर टीवी में आओगी तो तुम भी गर्व करोगे कि थारे घर में कितना बड़ा पहलवान हूँ मैं। तेरी तस्वीर ये टीवी पे ना इस भीत पे लटकवा के मानेंगे, ध्यान कर लिए। बटा सामुर अमर रहे, अमर रहो, अमर रहो। अरे लामे का ढूंढ तेरी है पहलवानी तो। उस्ताद जी निकल लो, बाबू जी ने पुराना माल खा रखा। ठीक करा, फायदा इसमें है, निकल लो। पहलवान बनते फिरे हैं, नाश करके रहेंगे इसका। बिजन सा, बिल्कुल बिजन सा लग रहा है इसके। अरे ताऊ जी, बालक कहाँ गए, इतना बड़ा भरोटा लेके चला तू? बालक अपने और काम कर रहे हैं। तो तुम क्यों लेके चले इसे? अरे भाई किसानी में तो करना ही पड़ेगा। लाओ भरोटा मुझे दे दो। ना भैया मैं ही ले जाऊंगा। ना ना ना, लाओ रे कुत्ते। आ जाओ पीछे पीछे, मैं थारे घरू घेर दूंगा। अरे लाल सिंह, तेरे भरोटा लेके जा रहा है क्यों छोरा? हाँ मेरा भरोटा ले जा रही है। काले के दो छोरे, राजा कितना भला इंसान है, दूसरा वाला तो कतई निकम्मा है। और राजा को ही देख लो, दूसरों के भी काम करे। ये काले जो है ना, कहीं से राजा को उठा के लाया था, ये इसकी असली औलाद नहीं है। तुम ठीक कह रहे। चल जा। अरे भाई साहब पैसे तो देते जाते। कैसे पैसे भाई? कैसे पैसे, वहाँ से यहाँ तक बैठ के आयो इस चीज के पैसे? अच्छा हमसे पैसे लेगा तू? हमसे पैसे? भैया टेम्पू चला रहा हूँ, पैसे तो लूंगा। तू जानता ना क्या मेरा नाम क्या? तेरा नाम जानकर मैं क्या करूँगा, मेरे को तो मेरे पैसों से मतलब है। अबे चला जा कभी फालतू बेटा, चल। लो भाई। अच्छा भाई जा, जेब में पैसे है नहीं, गुंडे बने फिर रहे हैं। क्या लिख रहे हो लक्ष्य, क्या समझाया था मैंने तुम्हें? पिताजी क्या हो गया? इनकी दवाई कहाँ रखी है? खत्म हो गई बेटा। उन्हें भी अभी खत्म होना था, पानी दो। पैसे आएंगे ट्यूशन के जब लाऊंगी। अरे राम रे, मार जा भाई। ओहो हो। प्रियंका की मम्मी, इनकी तबीयत कैसी है अब? तबियत तो ऐसी है। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। ले प्रियंका अपनी फीस। क्या हुआ, महीना तो 20 तारीख को होता है भाभी जी। कल से मास्टरनी के पास जाएंगे, तो बच्चों को लेके जा रही हूँ। जैसी आपकी मर्जी। चलो बच्चों, चलो चलो। बेटा अब कैसे होगा? माँ चिंता मत करो, सब ठीक होगा। माँ वो अखबार कहाँ गया? बेटा देख ले, ही पड़ा हुआ कहीं। बेटा कुछ मिला इसमें? हाँ मिला है, वैकेंसी तो है इसमें, इंटरव्यू भी कल का ही है। कहाँ पे? मुरादाबाद में।
बेटा अकेली कैसे जाएगी तू? तू चिंता न मान, मैं जम्मा गया इसकी। पिताजी आप रहने दो, आपकी तबीयत पहले से ही खराब है और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। राम राम जी, के ढंग है? आज तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। राजा कहाँ था तू? तेरे तो काम से था। मैं के बताऊं, वो ताऊ आ रहा भरोटा लेके और मुझे बिचारे पे वो हो गया, मैंने कही ले आता हूँ मुझे दे, तो मैं उसका भरोटा गिर के आया उनके घरू। फिर वो रामे हर के उनके वो गाय खुली घूम में थी, खुट्टा ही निगट के दे रहा था, उनका खुट्टा काट के आया हूँ और घनश्याम की छप्पर ठुआ के आया हूँ, किसी का कुछ करवा के आया हूँ। पहले तो यू बीड़ी फेंक जो प्रदूषण का भट्टा चला रखा यहाँ। भाई यार, या मेरे पीछे पड़ जावे, ले फेंक दी बीड़ी, जब भी आऊं ऐसे ही करे किन 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 किन, 2 रुपए का नाश करवा दिया, पड़ गई तेरे ठंडक। अरे भैया तुम दोनों लड़ो तो मत, कल को एक काम है, भाई से लेकर चले जाइए। हाँ मैं चला जाऊंगा, पर तुम काम मुझे ही बता दो, मुझे इसकी जरूरत ही ना, मैं काम कर आऊंगा। मुझे भी जरूरत नहीं है तेरी, चली जाऊंगी मैं अपने आप। तुझे दिक्कत की है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ही है। अरे राजा तड़के तुझे कोई काम तो ना है? इसे क्या काम होगा, ये तो खाली घूमता रहे इधर उधर। बताओ या मुझे ठाली मान रही है, मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत ना है। हाँ तू ही तो मुख्यमंत्री लग रहा है ना। अरे मुख्यमंत्री तो तू ही लग रही है। हाँ जी तुम बता दो काम की है, मैं फिर चलूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे नहीं है फुर्सत 1 मिनट की भी। हाँ इसे तो बड़ा काम है, जाना होगा किसी की बेगार करने, इस पे तो कोई अपना काम है नहीं। अपना काम के हो, मुझे यह बात पता नहीं चली। अरे काम काम हो, किसी का भी हो, बस तू चुप रह अपना काम कर। काम ही कर रहा हूँ मैं तो, पर अपना पराया के हो मुझे तो पता नहीं। अरे बाबा अपना पराया कुछ नहीं होता, बस तू चुप हो जा। मैं तो चुप ही हूँ, तुम काम बता दो या तो न्यू ही करूँ जाओगी। पता नहीं 2 बालकों को पढ़ा के मान रही है, इतना बड़ा काम ना आयु। अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, इसके सींग निकल रहे हैं। मेरे क्यों निकलते, तेरे निकल रहे हैं सींग। हाँ भाई राजा जी, इसका इंटरव्यू है, तू तड़के इसकी गैल चला जा। ठीक है जी मैं चला जाऊँगा, पर इस तेन कह दो रस्ते में लड़े ना मेरे। ना लड़े ना। हाँ तो बस ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बताओ किस टाइम जाना है? तड़की बखत चले जाइए। ठीक है तड़की मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ अभी। ठीक है ना, तड़की मिलते हैं। ठीक है, मुझे कोई काम से तेरे पास है। अरे सब सामान धर लिया, कुछ बुल्ली तो ना, कदी मुझे फिर भागना पड़े हत्ते उल्टा। अरे तुझे ही कह रहा हूँ, तू जवान मत चलावे, चुप साइकिल चला। साइकिल तो चली रही है, इसका के चलाना। अरे यार यू बुढ़ा तो दुखी हो रहा दिखे, इसे भी बैठा लूं के? तू सीधा चल, ज्यादा इतरावे मत ना, वरना मैं उतर के अपना आप चली। अरे यार किसी का भला हो जाएगा तो के दिक्कत है? खूब भला कर पर मुझे उतार दे। चल ना बैठा रहा यार, तू बैठी रहे, इसे हो लेने दे दुखी बेचारे को। यू देखे स्कूल तो? रोक लिया अब इस रेल ने, भीतरी बाड़ेगा के आ लिया स्कूल। ले यार रोक दी, मैं भी चलूं गेल। भैया इंटरव्यू किधर होगा बता? बस तू रहने दे, मैं अपने आप चली जाऊंगी। ठीक है जैसी तेरी मर्जी। सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना। राम राम जी। राम राम भाई। आ रही है क्या स्कूल? ना जी, संजीव यादव जी का है। अच्छा अच्छा, तो सेठ जी क्या अंदर ही हैं? हाँ जी अंदर ही हैं। और तू धूम में खड़ा कर रखा है? ड्यूटी तो ड्यूटी है भाई। अच्छा अच्छा, तो तेरी नहीं अभी तो यहाँ कुछ छाया का इंतजाम करना चाहिए ना करना चाहिए? वो तो सब होना चाहिए भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। ये लाला पैसे कमाने के चक्कर में गरीब आदमी को कुछ नहीं समझते, उसे धूम में खड़ा करते हैं, आप छाया में बैठे रहे बताओ भाई। पर लड़की जो इंटरव्यू देने गई है ना, न्यू समझ ले इतनी इंटेलिजेंट है, जातू ही पास होगी इंटरव्यू में, समझ गया ना? इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, सब इस पे ही बच्चे पढ़वावे वहाँ।
जिस बच्चे को यह पढ़ा दे वो ही पास। सब दूर दूर तक इसी पे पढ़वाना में, बहुत नाम है इसका और पढ़ाई एक नंबर है बिल्कुल। हैं? जातू ही काम हो गया, देख ले मैं पहले ही कह रहा था। और किसी तो देख तू एक शब्द बोल तू ही नौकरी पर रख लेंगे। रख ली होगी? चल अब चलो। हाँ मिठाई ले चलेंगे अब, ठीक है ना? चलो हो गया होगा काम तो? नहीं हुआ, यहाँ कुछ मांग रहे हैं, एड में कुछ लिखा था और अब एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। अरे ये न्यू ही भगाम है, तू बैठ चल मरण दे आजा। अरे ये लिखे कुछ है फिर करे कुछ है, जब ना लेने तो और बात लिख दे, जब ना देनी नौकरी तो क्यों देवे हैं ये, समझ में ना आती हमारी तो। क्यों परेशान से हो रहे हो? परेशान के बसन में सोचू प्रियंका के हाथ मेरे आगे पेड़े हो जाते। परेशान मत हो, प्रियंका के हाथ पेड़े भी हो जाएंगे और तुम भी ठीक हो जाओगे। मेरा तो कुछ नहीं, बस परमात्मा उसकी सुन ले। जा तो रही है भगवान के पता, उसकी नौकरी की भी सुन ले। अरे बुढ़े प्रियंका भी नौकरी करेगी के? तुम्हें पता नहीं जमाना कितना खराब है। नौकरी तो उसे करनी पड़ेगी, हमारे हालात ही ऐसे है भाई। डाडू हालत तो घर की भी इतनी खराब है, नौकरी तो करनी पड़ेगी। तू भी हिसाब किताब के नाम का ही आया होगा। हाँ तुम्हें तो शर्म है नहीं, मैंने सोचा भाई मैं ही चलूं। तेरी गलती नहीं डाडू, हर ब्याजी नुई के अग्रह कर्जदार के शर्म नहीं होती। घर में 10 रुपए का भी इंतजाम नहीं है, दवाई छोड़ दी इस वजह से। मैं नू कह रहा हूं तजे घर में जो भी कुछ देखता हो वो उठा ले जा, और इस तनियारा मेरे हाथ में की है। मैं हाथ में तो सब कुछ तेरे है, और समाधान भी तू ही कर सका है। बताऊं? बता। तेरी छोरी प्रियंका ना है, वो जवान हो गई, उसका ब्याह तू मेरे से करा दे। कुत्ते तेरी हिम्मत क्यों करोगी मेरी छोरी का नाम लेने की? तू पैसे की आड़ में हमारी इज्जत तक खेलना चाह रहा? इज्जत बता रहा? कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पैसे देना रे, इज्जत बता रहा रहतुआ। फिर से कहिए क्या कह रहा था डाडू तू? यू बतावेगा रहतुआ, इससे पूछ। हम कुछ भी करे पर तेरे पीछे देंगे, इज्जत है तो खेलने मत। इज्जतदार बनना तो जल्दी से जल्दी मेरे पैसों का इंतजाम कर दे। अरे भैया ये पहले ही बहुत परेशान है, तू इन्हें परेशान मत करा, चला जाए हत्ते। भाई अब तू जा यहाँ से। बस जा, निकल जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ एक बार बुड्ढे से और पूछ लेती। दो महीने का टाइम और दे रहा हूँ, या तो पैसे मेरे हाथ में धर दिए या प्रियंका का हाथ मेरे हाथ में दे दिए। कुत्ते तुझे कर्ज चलते थे। बुड्ढे अगर तुझे मेरी बात सही लगा ना तो तेरा कर्जा माफ, यू मकान भी तेरा और तेरा इलाज भी मैं कराऊंगा, और बात सही ना लगी ना तो प्रियंका का हाथ पकड़ कर खींच के ले जाऊंगा, फिर बाद में नू मत कहिए ये क्या हो गया। बस तू मेरी आंखों के तक चले जाओ।
अरे 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 रुकिए भाई। हाँ जी। अरे थोड़ी सी मदद कर देगा के? हाँ जी बताओ। देख भाई इस पहिए में पंचर सा हो गया दिखे, तू ये पहिया बदल दे, तुझे 10-20 रुपए भी दे दूंगा। अजी कैसी बात कर रहे हो, 10-20 रुपए की क्या बात है इसमें? मैं वैसे ही कर दूंगा, बड़े बुड्ढों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, मैं कर दूंगा। तुम बैठो और सुनो, तुम ये भंडारे की पूरी खाओ, तुम इतने खाओगे, खाओ तो सही, भंडारे की है ये, लो ये मुझे दो, ले बैठो, इतने तुम इसे खाओगे नहीं इतने मैं बदल दूंगा। बाबूजी प्रसाद कैसा है? बस प्रसाद तो बहुत बढ़िया, पर तू भी बहुत बढ़िया। चलो। अरे एक बात तो बता। हाँ जी। कहाँ का है तू? अजी मैं यहीं बैठे का ही हूँ। अच्छा। हाँ जी। अरे भाई तू एक काम भी कर सके क्या? हाँ जी। हमें खेती बाड़ी के लिए भी कोई लोंडा दिलवा सके क्या? हाँ जी हाँ, मैं दिलवा दूंगा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा। बताओ कितने जमीन है? भाई जमीन तो बतेरी जी। और तू आज इससे बढ़िया तो बात ही कुछ ना होने की, तू आ जाएगा। और तेरे पिताजी क्या करें भाई? पिताजी ना जी। पिताजी ना भाई? ना जी। अच्छा, फिर तू संभाल लेगा खेती? हाँ जी हाँ, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, या तो बढ़िया भाई बहुत। लो जी थारा पहिया बदल गया। बदल दिया भाई? हाँ जी, अब तुम खा के आराम से चले जाइयो, मुझे है बहुत जल्दी, रामपाल के बालक ट्यूशन पे जा रहे होंगे और वो जा रहा है ब्याह में, मुझे वे ले आने हैं। ओ भाई ट्यूशन ते तो एक बात में भी ध्यान आ गई जी, कोरोना की वजह से बच्चे बाहर तो भेजे नहीं जाते और कोई बाहर से आता नहीं। अच्छा, तेरी नजर में कोई ऐसा भी है क्या जो हमारे बालकों को घर में ट्यूशन पढ़ा दे? ट्यूशन तो पढ़ा देंगे, कहाँ कहाँ आना है? कहाँ? यही है श्यामपुर। अच्छा श्यामपुर। अच्छा श्यामपुर, अब इतनी दूर कोई आओगा कैसे? अरे यही रह लेगा, हमारे दौरे आने से क्या मतलब भाई, वही रह करेगा, वही उसे तनख्वाह देंगे। के तनख्वाह दोगे जी? 15-16-10-12 हजार जैसा भी होगा उसे देंगे। यू तो आरती का काम सही बन सके। हाँ जी हाँ, तो मैं व्यवस्था करा दूंगा। ठीक है जी, अब आ जाए करेंगे। बस भाई इससे बढ़िया तो बात ही कुछ नहीं, बस विश्वास का होना चाहिए जो भी हो जी। विश्वास की है वैसे तो, बस भाई ऐरा गैरा तो कोई होना। अच्छा तू नू बता है कौन? अगर मैं कहूँ मेरी जानने वाली है तो ये कभी विश्वास ना करे, तो मैं क्या बताऊँ, मैं घरवाली बता देता हूँ अपनी। अजय मेरी घरवाली है। ले, अरे इससे बढ़िया के बात होगी, तू खेतों का काम संभालिए और वह घर में बालकों को पढ़ावेगी और तुम्हें मकान भी रहने के लिए दे दूंगा मैं। ठीक है जी, मैं 2-4 दिन में लेके आ जाऊंगा। श्यामपुर में के पूछना है? भाई किसी से भी पूछ लिए, चौधरी दिलबाग सिंह वो ही बता देगा, पर तू आ जरूर जाइए। ठीक है जी, मैं आ जाऊंगा, तुम यू खा लो, मैं जा रहा हूँ और आ जाऊंगा। राम राम जी। अच्छा भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाइए जरूर भाई। देख। हाँ जी बिल्कुल। लुंडा बहुत बढ़िया आयु। मैं वहां देख रहा, कहां गए ये सब, कोई दिख ही ना रहा। तू बात बता क्या बात है? अरे काम कुछ नहीं है, तेरे बारे में खुशखबरी है, मैं उनके आगे सुनाऊंगा। कहां है वे? डॉक्टर के गए हैं। डॉक्टर के गए? चल ला तुम मिठाई खुआ पहले। तेरा दिमाग खराब है क्या? घर में आटा नहीं, नमक नहीं, मम्मी पापा दवाई लेने गए, तू मिठाई मांग रहा है। अच्छा चल फिर उन्हें आ लेने दे, उनके सामने ही बताऊंगा मैं। तुझे कुछ बताना है तो बता वरना निकल ले यहां से। अरे ले चल मैं बता दूं, मन ने एक जगह तेरी ऐसी नौकरी ढूंढी है, अब तुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है बस, और 15,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा। हाँ पर एक बात है, तुझे वहीं रह के पढ़ाना पड़ेगा। अरे भाँ मैं कैसे जाऊंगी, पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे यार बहुत बढ़िया नौकरी है वह। अरे नौकरी तो ठीक है, पर दूसरे के घर में रहना। जब ऐसी बात है तो चल मैं गैल चलूंगा। अरे तेरा भी कोई भरोसा है, तू जहाँ कोई काम बताए तू वहाँ से भी चल देगा।
बताया भरोसे की बात कर रही है, मैं इतनी बढ़िया नौकरी की बात करके आया हूँ। लो ले ये भी आगे आ जाओ जी। लिया है दवाई? हाँ लिया है, और वो कोरोना वाला इंजेक्शन भी लगा दिया। हैं कोरोना का? हाँ। डरना लगा था मैं? बहुत दर्द हुआ, घना दर्द हुआ बस। चलो ही ठीक रहा वैसा लग गया तो। और तुम क्यों लड़ रहे थे आपस में? दिमाग खराब कर रखा मेरा बिना फालतू में। बता दिमाग खराब बता रही है, मैं इतनी बढ़िया नौकरी की बात करके आया हूँ। हाँ बता बा, किसी नौकरी थी? नौकरी इतनी बढ़िया जी, बच्चे पढ़ाने और 15,000 रूपए मिलेंगे। अच्छा हाँ, तो क्या दिक्कत है, कर लेगी? यूँ मुझे ना रहना किसी दूसरे के घर। भाई रहने दे, जब ये मना कर रही इसका मन नहीं। अरे तू भी इसकी गैल कैसी बात कर रही है, कहाँ नौकरी मिल रही है आजकल, 15,000 रूपए देंगे और इसे अकेला लग रहा तो मैं भी चला जाऊंगा। मेरी भी कह रहे हैं वे 7,000 रूपए देने की, उनके खेत क्यार के काम मैं कर लूंगा। बहुत बढ़िया नौकरी है, कर लेगी। अजी इतनी बढ़िया नौकरी, मैं भी तो न्यू कह रहा हूँ, चली जागी? नहीं मुझे नहीं जाना कहीं, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अरे बेटा बात को समझ ले, घर की हालत को देख ले, तू पढ़ाई हमने पढ़ ली के नौकरी नहीं करे करते। चल नहीं करनी तो पिताजी के लिए पानी लिया। भाई जब इसका मन नहीं है पढ़ाने जाने का तो क्या करे। हाँ तुम भी इसकी गैल ऐसे ही हो जाओ, मुश्किल से नौकरी मिले या तो बावली हो ही रही है। इसकी बात में आ जा मैं। माता जी राम राम। राम राम बेटी। दादी जी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। आपके बच्चे भी तो ट्यूशन पढ़ते हैं? मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, आप मेरे पास भेज दिया करो। हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ काम है, पूरी पढ़ाई में ही कर काम है। ठीक है माँ जी नमस्ते। बैठ बेटी। ना जी कोई बात, चाय पानी पी कर जाइए, बैठ। अरे कहाँ जा रही है अकेली अकेली? कहीं जाओ तेरे तो मतलब। तुझे पता ना है कि मैं तेरे बारे में दिन रात कितना सोचूं। तू क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है? डाडू काले का लौंडा है जिससे पूरा गांव गुहान थर थर कांपे था, तू समझती क्यों नहीं? और मैं जब चाहूँ ना तुझे उठा कर ले जाऊँ, बस मैं तो तेरी हाँ के इंतजार में हूँ। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे हाथ लगा दे। मका सीधे ही हाथ पाँव मान जाती, जोर जबरदस्ती ठीक ना है। ज्यादा तो बने मत, तेरे पैसे भी दे रहे हैं, धीरे धीरे ब्याज भी दे रहे हैं। ना तो मुझे पैसे चाह ना ब्याज चाह, बस तू चाह। मेरे में क्या कमी है? तेरे में अच्छा ही क्या है? अच्छा तो तेने डाडू के हाथ से बुरा कराने की सोच ली है तो यू ठीक है। उस बुढ़े से कह दिए पैसे और ब्याज तैयार रखे, डाडू आवेगा, ऐसे तो तुझे हल्के में नहीं छोड़ने का। डाडू कभी अपना उधार नहीं छोड़ता तो तुझे क्या छोड़ देगा? फड़फड़ा ले जितना तुझे आसमान में फड़फड़ाना, एक दिन तो डाडू के पंजे में आएगी। प्रियंका, प्रियंका ये बात है, क्यों ऐसी शिकल बना रखी है, क्या होया? कुछ नहीं तू अपना काम कर। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बात तो बता क्या होगी? कह तो रही हूँ कुछ नहीं। चल तू घर ही आ रहा हूँ। अब क्या होगा, ये डाडू तो गुंडा है, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, इसका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हम। अगर इसने ये सब कर दिया हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मेरे माँ बाप तो जहर खा के मर जाएंगे। ए भगवान, ये लाचारी हमारे ही नसीब में लिखी थी। पता नहीं डाडू ये किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? अरे आ जाओ। पापा आप अपना ध्यान रखना, मन तो कर नहीं रहा मेरा जाने का। अरे बेटा मैं तो ध्यान रखूंगा, पर तू भी एक काम करियो, वहाँ पर इसमें लड़ियो मत। ये बात मुझे नहीं, इसे बताओ। हाँ हाँ इसे बताओ। प्रियंका बेटा ध्यान से रहिए। बेटा बाहर बड़े ध्यान से रह गए, जाओ। भेजने को मन तो कर नहीं रहा पर जाओ। प्रियंका
पट्ठा श्यामपुर जिंदाबाद, पट्ठा श्यामपुर जिंदाबाद। अरे के तूफान सा बने घूम रहे तुम, के बात है या? अजी बाबूजी, उस्ताद जी की 3 दिन तक टट्टी नहीं उतरी। कब झोरा? इन्होंने 3 बादाम और 2 चम्मच घी की सबूत निगल ली। ओह नो! बादाम झीले है इस पे, घी झीले है इस पे। अरे गरम पानी दे देते, इसबगोल की भूसी दे देते, इसे काढ़ा दे देते, कोई दाल का पानी दे देते। कोई बता रहे, कहने लगे बादाम दे रहे, इसका पेट देखो कैसा हो रहा है, एटम बम की तरह फट जाएगा यो। पिताजी घबराने की बात ना, शाम की कसरत में 500 डंड फालतू मार दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो जब भी ना घबराया जब मेरी 8 दिन लैटिन आई। ओ थारी भाण गई भाई। ये पट्ठा श्यामपुर जिंदाबाद, पट्ठा श्यामपुर जिंदाबाद। के है यू तेरा भतीजा? तुम खरबूजा खा लो, मरन दो पर है। अब खाने लायक छोड़ दिया इन्हें यो। 11 दिन 8 दिन रोकू बैठा रहे, बता भाई। क्या होगा इस मनोहर का? इसका जो होगा होता रहेगा, तुम इन बालकों को देखो। इन बालकों के क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब यू है, इनका ट्यूशन उशन का करो जुगाड़ पढ़ाने का। अरे ट्यूशन की तो करी थी, वो इतना बढ़िया छोरा मिला था, यूँ बता रहा था खेत खलियान का काम भी मैं देख लूँगा, और मेरी घरवाली ट्यूशन भी पढ़ावे, उसने ही कहा था अनु। बस क्या करूँ, आया ही ना। तो फोन कर लो। अरे फोन तो कर लूँ, फोन नंबर तो ना लाया मैं उसका। तुमने उसका नंबर भी ना लिया, बताओ। ध्यान से नहीं रहा, बात तो पक्की सी कर रहा था, कहा ही जाएगा। चलो और देख लो, लगे तो मुझे आवेगा तो जरूर वो। मने के नाम बताया था गांव का? मुझे क्या पता, तुझे गांव का नाम ही याद नहीं है। अरे मेरे ध्यान से ना रहा, उन्होंने बाबूजी ने के बताया था? यू तो उल्टा ही जाना पड़ता दिखे। हाँ उल्टा ही जाना पड़ेगा। अरे भाई तू सोचन दे मुझे कुछ यार, की बताया था? के हुआ, कैसे रोक दी, याद नहीं आया के गांव का नाम? अरे यार वो जिनके हम नौकरी करने जा रहे हैं। हाँ। जहाँ तेरी नौकरी लगवाई है, जिनके जा रहे हैं हम। हाँ हाँ आगे बोल। उनते मने न्यू कह दी, न्यू कह दिया उनते बाबूजी ते, अब तू मेरी बहू है। ओ। तू पागल हो गया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेने बोला कैसे ऐसे हैं? मुझे तो पता था तेरे मन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, तभी तू मुझे झूठ बोल के लेके आया यहाँ। अरे वे बाबूजी न्यू कह लगे एक मास्टर नहीं विश्वास की होनी चाहिए, अब मैंने सोचा विश्वास की कैसे बताऊं, मैंने फिर बस इसी चक्कर में अपनी बहू बता दिया। वे बहुत बढ़िया आदमी है। वे तो बढ़िया है, तू तो बढ़िया नहीं है। अरे तू गलत सोच रही है, मैंने तो इस मारे कह दिया था भाई देख डाडू के पैसे उतर जाएंगे, थोड़ा सा ही तो झूठ बोलना है इसमें, के जा रहा मतलब कहने में थोड़ी कुछ हो जाओगा, ना किसी को कुछ पता चले। तो 1-2 महीने की बात है यार, हमें बस कुछ वो तो ना करना, बस बताना ही तो है भाई, न्यू कहने तक ही हो जाओगा, समझ तो सही। चल ठीक है ना, अब चले, पर एक काम करना पड़ेगा तुझे। क्या करना पड़ेगा? अब तुझे ये सिंदूर बिंदी मैं न लगाने क्यों? कैसे करेंगे? चल तो फिर कह तो देगी ना तू। मैं न कहने क्यों, अपना आप कहिए। चल मैं कह दूंगा, पर तू ऐसे ही रह लिए, पर अब नाराज मत होवे, ठीक है ना? ठीक है चल। भाई कोई मैडम मिल जाए तो इन बच्चों की पढ़ाई का भी हो जाएगा काम, इस कोरोना के चलते सब कुछ बंद पड़ा। इन बालकों से लगा रहा है जी सा। पिताजी लो चाय ले आई बेटा, अपनी माँ को भी दे दे बेटा, दवाई भी ले आई।
बहुत अच्छी बहू है हमारी, मनोहर कैसा भी हो पर बहू हमारी कोई कमी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे के बात है, कुछ हुआ इसके? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तुम इसे मारोगे क्या? इसे किसी वैद्य को दिखवा लेते, डॉक्टर को दिखवा लेते। पिताजी मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे पब्लिक की चिंता है जो मुझे खड़े में देखना चाह रही है। ओ खड़े, तू दशक बैठक मार लेना तो तेरे पेट में यू गोलाना बनने का योफारा सभी टूट जाएगा। अजी बाबूजी, कल मारी तो थी 5 बैठक, 5वीं में नीचे बैठ गया, ऊपर उठाया नहीं तभी तक बजवंडी। ओए ठा के पटक दूंगा, सारे हिसाब में गड़बड़ कर रहा, जरा रजिस्टर ठा के लिए इन्हें दिखा मारा कितना बड़ा रिकॉर्ड। हाँ तेरे रिकॉर्ड ही ना दिखेंगे हमें चारों ओर। पिताजी जनता मुझे खड़े में देखना चाह रही है और मैं जनता का सपना जरूर पूरा करूंगा। बोल ले ले भाई। बिल्कुल सही बात है जी, पहलवान जी जिस दिन खड़े में उतर गए ना उस दिन जनता में भगदड़ मच जाएगी। अच्छा उस्ताद जी, एक बार खड़े में उतर गए ना हिंद केसरी हमारी आवेगा। हाँ। ओ हिंद केसरी, जानो तुम हिंद केसरी क्या हो? जितनी हिंद केसरी की पट है ना इतना तो सारा ना है, और जितना वो एक टाइम में खावे है ना इतना तू ना है। आ गया भाई, आ जाओ भाई, आओ आओ आगे, आ जाओ भाई, आ जाओ आगे, आ जाओ यहीं आ जाओ। बहू ये राजा है। नमस्ते जी। और ये इसकी घरवाली है। जी पापा। है ना, ये हमारी खेतीबाड़ी का काम देखेगा और ये बच्चे कहाँ है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। बैठ जा बेटा। बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा। है इसका नाम राजा, इनका नाम क्या है? प्रियंका जी। अच्छा बैठ जा बेटा, कोई दिक्कत तो ना आई आने ना जी? बस हम तो साइकिल पे न्यू ही चले आए। अच्छा, हम तो थारा ही जिक्र कर रहे थे जब से बैठे हुए, मगा आए ना लड़का तो इतना भला, कह तो रहा था आन की अक पक्का होएगा, हमें तो विश्वास था भाई पक्का होएगा। अब देख लो यो है घर। हाँ जी, थारा इंतजाम भी कर देंगे यहाँ रुकने का। तो भाई 7,000 रूपए तुझे देंगे, 15,000 रूपए तेरी घरवाली को देंगे, पढ़ा तो लेगी ना या? अजी तुम कैसी बात कर रहे हो, एक नंबर का पढ़ावे या सारे गांव के बालक इस पे पढ़े? वो ठीक है प्रियंका, इसे अपना ही घर मानियो, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना मानियो। बिल्कुल बेटी, अपने घर की तरह मानियो, तुम भी हमारे बालक हो। ठीक है माँ जी। अरे मास्टर। अरे भाई मास्टर नहीं, ये है मास्टर नहीं। हाँ मास्टर, मास्टर नहीं जो भी है, मेरा नाम है जामा पहलवान। पजामा पहलवान? पजामा नहीं जामा, जामा पहलवान। हाइट 4'5", वजन 41 किलो और डोला 22, और सिन्ने की पूछे मत ना, हमेशा फटने को रहे। आगे समझ में, पहलवानी ऐसे हो देख ले तू भी। ले भाई गिर गया नी? अजी भारी भरकम सामान है, गिर भी जा। गिरे धरती हिले। अच्छा जी। है भाई कोई सी कोई चोट वोट तो ना लगी? चोट लगे? ओ इन्हें छोड़, तू अपने बता, तेरे तो चोट ना लगी? अजी पिताजी ऐसे चोट लगे के रह गए पहलवान हो गए, ये तो रोज का काम है हमारा। अजी ये भाई साहब पहलवानी सिखाए करें, सीखे करें। ओ भाई ना यू सीखता ना यू सिखाता, यू मारे गले में पड़ना, किसी दिन किसी ठाड़े से पहलवान ने इसके फूंक मार दी ना, यू हमें चुक्के लाना पड़ेगा। कर लें दो इसे जो कर रहा है यू। हाँ जी ठीक कह रही है। अब बेटी साड़ी पैर कर रह कर। साड़ी तो जी या घर ही छोड़ी आई सारी? ना राजा मैं तो सूट पहनूंगी। हाँ ओ बेटी नाम ना लेकर ते अपने पति का सबके सामने ऐसे, माथे पे बिंदी और संदूर जरूर लगा कर रखे हैं सुहागन भागन। माँ जमाना बहुत बदल गया है। ए जमाना बेशक बदल गया पर सुहागन भागन को साड़ी शोभा देवे ऐसा अच्छा ना लगता। हाँ जी ऐसी बात ना है, इसने कसम खा रखी थी अब जब तक इसकी नौकरी नहीं लगेगी या सिंगार नहीं करे। तो अब तो इसकी नौकरी लग गई, अब तो कर लेगी। हाँ जी अब तो यह सिंगार करके काम करेगी। और साड़ी? अब साड़ी तो जी अब वो। ए पुष्पा चल तू 2-4 साड़ी दे दे से, ले जा। एक काम करिए, इन्हें भूख भी लग रही होगी, इन्हें नाश्ता भी करवा दिए, ठीक है? नहीं कुछ नाश्ता बना ले, इन्हें ले जा। आओ जी। इसे भी ले जा अपने साथ। अजी मैं एक बात कहूँ, मैं तो मैं दोनों को माँ पिताजी कहे करूँगा। हाँ बेटा तू माँ पिताजी कहिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा तेरा माँ कहना। चौधरी साहब राम राम। अरे राम राम दरोगा जी, आओ बैठो। आ गए चौधरी साहब।
शांति, दुर्गा जी के लिए पानी मंगवा और चाय नाश्ता मंगवा। घनश्याम पानी ला दे। चौधरी साहब, ये कौन है? पहले तो आपके यहाँ ऐसा कभी नहीं देखा। ये राजा है, आज ही तो आया है। तमाम हमारी खेती बाड़ी आज से यही देखेगा। वो तो ठीक है, पर इसका वेरिफिकेशन जरूर करा लेना। वेरिफिकेशन को कौन पूछ रहा है गाँव में? गाँव में क्या जरूरत है? फिर भी क्या, गाँव में कौन देख रहा है इन्हें? चौधरी साहब, मैं तो आपसे कानून के लिहाज से बोल रहा हूँ। चलो, आप कह रहे तो करवा लेंगे। और बताओ, सब ठीक तो चल रहा है? हाँ चौधरी साहब, आपने देखा नहीं सारी बदमाशी खत्म हो गई क्षेत्र से? अरे खैर, ये तो आपका पूरा दबदबा है यहाँ। आओ भाई आओ, साइकिल यहीं कर दे, खड़ी यहीं कर दे। भाई साहब, मैडम आप भी, मेरे पे इतना टाइम तो है नहीं। मुझे उस्ताद जी के दंड बैठकों का हिसाब नवे रजिस्टर में चढ़ाना। एकदम मेरी बात आंख नाक कान मुंह खोल कर सुन लो। अरे बता तो सही। हाँ, चूल्हा गैस का है, सिलेंडर खाली है, चूल्हा खुलाना छोड़ियो, गैस लीक भी हो सके, सामने लैट्रिन बाथरूम है, किसी टाइम बनाओ खाओ, ऊपर छत खुली है, किसी टाइम नहाओ धो, और खिड़की और दरवाजे बंद रखियो, कोई झांक भी सके, और परले वाला किवाड़ खोलने की जरूरत नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है और उसमें हमारा सामान है, समझ गए? मैं चल रहा, टाटा शियू, बाय बाय, थैंक यू। यू के बता गया, समझ में ही नहीं आया मेरे तो। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया के कह रहा था। चल छोड़ दू, पर यू देख अब के करना है। रसोई की भी देखी जावेगी, पर कमरा तो एक ही, हम सोवेंगे कहाँ? अरे तू भीतर सो जाइए, मैं सो जाया करूँगा, के दिक्कत है? और कपड़े मैं अपने ही धोंगी बस। अरे तेरे भी मैं धो दूंगा, क्यों चिंता कर रही है? सफाई भी एक दिन मैं करूँगी और एक दिन तू करेगा। सफाई भी दोनों दिन मैं कर दे करूँगा, कोई बात नहीं इसमें। खाना भी बस मैं एक टाइम बनाऊंगी। खाना तू एक भी टाइम मत बनाइए, तीनों टाइम मैं बना दे करूँगा। और बर्तन भी बस मैं एक ही टाइम धोऊंगी। बर्तन भी मैं मांज दे करूँगा तीनों टाइम के। और बता। चलिए तो ठीक है, पर महीने का खर्चा कितना आ जाएगा? अरे खर्चा तो अपने हाथ में, कितना ही बढ़ा लो कितना ही कम कर लो। तेरी वीडियो का इतना हो जाता है खर्चा। चल इतने तेरा कर्जा नहीं उतरेगा, इतने मैं बीड़ी पीऊंगा ही नहीं बस। चल ठीक है, ले यू तो ले जा, धर ले सामान, बीड़ी पी लो। बीड़ी पीनी नहीं है। क्यों बैठे लौट जाते हैं? यूं क्यों दुखी से हो रहे? बस के बताऊं, चित ठिकाना नहीं जब तक प्रियंका गई, तबीयत सी ठीक नहीं। पहुंच तो ले होंगे वो? हाँ पहुंच तो गए होंगे, पर पता नहीं राम है कुछ खाया पिया कि नहीं, अखनु ही भूखे नहीं घूम रहे। खा पी तो लिया होगा। लो तुम दवाई ले लो, कभी मैं भूल जाऊं। तू पहले रोटी खा ले, बाद में दे। नहीं तुम दवाई ले लो, कभी मैं भूल जाऊं। चाय एक कप? नहीं मैं तो पानी से घुट रही थी, बनाऊं चाय? ना पानी कर लिया घूट गरम। चल रहने दे गरम पानी को, तू पहले रोटी खा ले। लो तुम दवाई ले लो पहले, घने बहम ना पड़ो। अरे बहम की बात नहीं है, मेरा चित ठिकाने नहीं है, जो मैं ठीक होता तो प्रियंका को नहीं जाना पड़े था। सब टेम की बात है, पता नहीं टेम कदलो कटेगा। तू जगा ले। बे मैं नहीं आ रहा, तू जगा। मैं नहीं जगा रहा भैया, दुनिया के लिए गुंडा होगा, अपना तो भाई है। राम राम भाई। अबे कैसे सर पे आके खड़े हो गए, कुछ काम धंधा करा ना करा, बोनी बट्टा हुआ है ना हुआ? हाँ भाई खुर्जी, तू बता, धनोरा रोड पर जितने जेब कतरे हैं उनकी हड़ताल चल रही है, क्या चल रहा? सबका ठेका तेरे भी तो है। डाडू भाई, उस रास्ते का जिम्मा तो असलम भाईजान पे है। वो क्या कह रहा? अबे अकल क्यों रहा, सही कह रहा है, तेरे पे जिम्मेदारी है, बताता क्यों ना? चल छोड़ तू। हाँ भाई ललन। हाँ जी। फिलंज चोरी करने बंद कर दिए, पटे काटने बंद कर दिए, या अपने घर में लाकर भर रहा, कहाँ है तू आजकल? देखो जी बात ऐसी है, ना तो रही पूड़ी, ना रही पट्टे, ना रही फिलंज, सब ने समरसिबल ठुकवा दिए समरसिबल। अबे तो मोटर चुरा ला। मोटर मतलब इतनी सी नाड़ में 100-150-200 फुट नीचे मोटर डाल दी लोगों ने समरसिबल में, बताओ कैसे निकाल के लिया हूँ मैं? यार कैसे खाएंगे कैसे खर्चे चलेंगे? हाँ भाई, तुझसे मैंने कही थी चुनाव चल रहे हैं प्रधानी के, कच्ची शराब भी चल रही है, पक्की भी चल रही है, बतेरा कुछ ताम झाम फैला पड़ा, कुछ तो लगाओ यार, कुछ तो करो यार, ना कहीं से पैसा आ रहा ना धंधा चल रहा, और मेरी छाती पे आकर खड़े हो जाओ। चलो
कुछ तो करो यार। डाडू भाई एक कटिया मेरी निगाह में, कहूँ तो वो खुलवा दूँ। अब खुलवाओ या बिकवाओ, इन चीजों को मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कुछ धंधा करके लाओ यार। अबे तू भांग में हाथ मार ले, भतेरी बिक रही है। ओ बोरे। हाँ जी। तू कुछ नहीं कर रहा, फिर तेरी जमानत टूट जाएगी। अबे कर ले कुछ ना कुछ, अगर तुझे कुछ करना तो अगर हम ही आएंगे मिलाई के लिए, अगर हम पे पैसे ना होंगे कौन आएगा वहाँ? करूंगा जी करूंगा। फिर कहेगा मिलने नहीं आया उस्ताद। जाओ यार समय कम है, आज कुछ ना कुछ करके आइयो, बीड़ी पीने को भी पैसे नहीं है। उस्ताद चलती लाइन पर से तार काट लाऊं चार खंभों के, तो ग्राहक भी ढूंढ ले उनके काट कर, मैं कोई यहाँ स्टोर खोले बैठा हूँ। उस्ताद जड़ाके जड़ाके। बे भैया कुछ नगद का काम कर लो, ये काम मत करो, क्यों फंसाओ मुझे। पिछली बार कितने दिन में छुटका आया था पता, तू ही था। ठीक है उस्ताद कुछ और करते हैं कुछ, चलो भाई चलो रे। जहाँ पैसा दे दो वहीं से पैसा नहीं मिलता, सारे धंधे बंद करके ब्याज का काम शुरू करा, वहां से कोई आमदनी नहीं, ये मूर्ख और पल्ले पड़ रहे हैं, इनका खर्चा भी मुझे झेलना पड़ रहा। काम मांगते हैं, कहां से दे दूं यार, पैसा भी तो नहीं दिख रहा। के होया भाई बहुत देर लगा दी। न्यू कहोगी बीड़ी पी रहा, पर न्यू नहीं पता ये छोड़ रखी है, बची हुई पी रहा हूं मैं। अरे आजा, के बात है बहुत देर होगी। अरे या तो बीड़ी तो यार फेंक दू। अरे के हो रहा भाई अभी तैयार ना हुई है के? अरे के देर हो रही है भाई, चलो तो सही। ये पता नहीं कैसी नौकरी लगवाई है जो साड़ी भी नहीं बंद रही। अरे तो इसमें नौकरी की क्या गलती है, तेरे पे साड़ी ना बंद रही, साड़ी बांध। जरूरी था ऐसी नौकरी लगवाना, भाऊ आला हो रहा था भाऊ भाऊ। अरे यार नौकरी मिलना रही है, न्यू ही मिल जा के नौकरी, साड़ी बांध तू। मेरे पे ना बंद रही हूँ साड़ी, कोशिश तो कर। मेरे पे ना हो रही है, एक घंटे से ही तो कर रही हूँ। चल देख लिया, मैं बताऊँ यार लड़की हो के तेरे पे, ये इतनी इंटेलिजेंट लड़की तू और तेरे पे साड़ी बांधनी, यू पल्ला सा घुमा ले। ए ए ए ए आ देखिए, ठीक है ले यू मुझे पकड़ा दे। अब देखियो कुछ करना थोड़ी है इसमें, बस न्यू कर सीखे। हाँ देख न्यू कर सीखे, ये कैसे करे करें। यू आया भाऊ भाऊ वाला भाऊ भाऊ, जिनके आई हूँ वो भी भाऊ भाऊ भाऊ। अरे तो भाऊ ही तो कह दी, ऐसा कौन सा काशी जाके पढ़ने को कह दी। इसे पकड़ तू, ये देख पकड़ इसे, देख मैं करता हूँ ये कैसे करे करें। अरे यार छोड़ दे तू। देखिए अब भी तो जची, क्या लग रही है तू। तू ज्यादा बकवास ना करे, चुप हो जा। अरे यार तू बहुत बढ़िया लग रही है, नजर लग सके, बस तू एक टिक्की बिंदी से लगा ले और थोड़ा सिंदूर सा। मैंने लगा ली, ठीक है ऐसे। अरे यार तू समझे कर, जब ही सिंगार पूरा हुआ है तुझे पता नहीं है तू कितनी सोनी लगेगी, देवी लग रही है एकदम देवी। लगा ले, मैं लगा दूं? ना मैं लगा लूंगी। बट ठीक है तो तू लगा के आजा, चल रहे हैं बस। ठीक है। नमस्ते जी। हाँ नमस्कार, आगे भाई। देखियो कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में। हाँ मैं भी तो इस तरह कह रहा था जी, साड़ी में तो इतनी सोनी लगी, बिल्कुल देवी लगी। भाई साहब आपने क्या पहली बार साड़ी में देखा है? ना जी, मन ने तो साड़ी में बहुत बार देख रखा है, पर मुझे यू डर रहा है कि इसके नजर लग जावे। हाँ नजर तो लग जाएगी, पर तू इसकी नजर तार दिए क्योंकि सोनी बहुत लग रही है। हाँ जी। हाँ भाई तुम दोनों यहाँ बैठो और चाय पियो। नहीं जी, आप बच्चों को बुला दो, मैं उन्हें पढ़ा दूंगी। शांति बच्चों को बुलवा दे, और बहू तू चाय बना ला। ठीक है पिताजी। बच्चों बाहर आ जाओ। बेटा तू आ, तू बैठ मेरे पास। हाँ जी आ जा। आगे बच्चे ये रहे। भाई माहौल तो तुम्हें ठीक लग रहा है यहाँ का, जी भी लग जाएगा सारा यहाँ। हाँ जी बहुत बढ़िया माहौल है, जी को ना लगेगा इतना बड़ा घर है जी। हाँ
अरे बेटा एक बात तो तेने बताई ना जी, तू कौन से गांव का है? अजी मैं बेटा का हूँ, तो मैं बताई तो थी उस दिन मिले थे रोड पे। अल्ले ले, मैं भी भूल ही गया। हाँ जी हाँ जी, बताई तो थी तेने। पिताजी चाय। चाय ले आई बहू? ले भाई चाय पी, जा बहू तू अपना काम कर ले। अरे घनश्याम, ओ घनश्याम। हाजी हाजी आ गया। हाजी एक काम करिए। हाजी ये राजा है, हैं? इसे खेतों पे ले जा, खेत खलियान दिखवा दिए अपने, हैं? सारा काम अब यही देखेगा, सब समझा दिए इसे। हाजी मुझे तो पहलवान जी ने नुकार रखा, मेरी साथ रहिए तू। पहलवान की साथ वे दो हैं तो? हाजी वे नुक हैं, उन दोनों पर उनकी डंड बैठक का हिसाब नहीं लगता, मुझे लगाना पड़े। दो दो मुनीम उसकी दंड बैठक का हिसाब नहीं लगा पा रहे, ऐसा कितनी दंड बैठक लगा रहा आजकल वो? अजी परसों पूरी 18 मैरी थी, और 18 पे लेट टमलेट वहीं बेहोश हो गए। हमने पानी छिड़का, पंखा चलाया, और तो और बिजना भी चलाया, जीव जाएगा पट्टे को होश आया। अरे तू उसे छोड़ दे, उसके चक्कर में ना पड़े, तू राजा को खेतों में लेके चला जा। और राजा हमारा नया ट्रैक्टर खड़ा अंदर, उसे तो अभी काटिए ना, पुराना ट्रैक्टर ही रखिए, समझ गया? हाँ। इसे लेके चला जा और खेतों में पहुंचो तुम। ठीक है जी। अरे चाय तो पी ले भाई। हाँ जी पी लीजिए। चल। अरे बहुत जल्दी करे। पट्टा सोमपुर जिंदाबाद, पट्टा सोमपुर जिंदाबाद, पट्टा सोमपुर जिंदाबाद, मैदान खाली कर दो उस्ताद जी आ रहे हैं। पट्टा सोमपुर जिंदाबाद, पट्टा सोमपुर जिंदाबाद, पट्टा सोमपुर जिंदाबाद, पट्टा सोमपुर जिंदाबाद, पट्टा सोमपुर जिंदाबाद। मैडम इन बालकों को पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी का गुर भी सिखा करो, क्योंकि इन्हें पहलवानी के बारे में पता होना चाहिए, इनका बाप बहुत बड़ा पहलवान है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊं। देखो ऐसा करके न्यू, यू है धोबी पाट हैं, और ये है गर्दन तोड़, और दंड बैठक ऐसे लगे हैं, एक 50, 102, 500 हैं, और बैठक ऐसे लगे हैं, लुंगी अलजगी, सॉरी। मेरे पे ट्यूब ना है, गोदाम में रहेगी ना, 1100 डंड मार दूं मैं, और 1100 बैठक मार दूं मैं, रिकॉर्ड है जी मेरा, रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैडम मान लिया जैसे कोई ऊपर से, अरे मैडम इधर ध्यान दो ना, हम दाव शिकारे, मान लिया जैसे कोई ऊपर है ना, उसे घुमा के, ओए मुकदड़ दे रहे, लो उस्ताद 250 किलो की मैडम, इसे कोई नहीं घुमा सकता, मैं ही घुमा सकता हूँ, बस ऐसे घूम मैं यू न्यू करके, न्यू घुमा के, न्यू ऐसे घुमा के, न्यू। उस्ताद, 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 ठीक हो तुम? यूके सांग जोड़ रखिया, कोई मैडम यहाँ थम जाना तो यू ना थम देने का। श्यामपुर अमर रहे, पट्टे श्यामपुर अमर रहे, श्यामपुर अमर रहे, पट्टे श्यामपुर अमर रहे, थम जाओ, के सांग कर रखिया यू, ठा ले जाओ इसे। अरे क्या हो गया इसके? बेटा बहुत पढ़ा लिया, अब एक काम करिए, कल को पढ़ा लिए। बाबूजी। हाँ आ लिए भाई। हाँ आ गए जी, मैंने इसे खेत दिखा दिए, सारी चीज दिखा दी, कल को जोत लेंगे जी। समझ गया भाई। हाँ जी हाँ, सब समझ में आ गया, खेत देख आया मैं, और कल को जोत देंगे जी, और कल से काम शुरू कर देंगे। चल भाई बहुत बढ़िया, चले। हाँ चल, अच्छा जी अब चलेंगे, चले हम। तो जाओ बेटा, पर आज का खाना तुम्हारा हमारे यही है, खीर बनाई है मैंने मावा से ना आज। ठीक है जी, ठीक है आ जाएंगे जी सांझ को। अच्छा जी चलें। देख ले दोनों का जोड़ा कितना बढ़िया लगे, साथ साथ चलते हो कितने अच्छे लगे, कितने सोने लग रहे हैं दोनों। बताओ ये लोग भी सच में मुझे राजा की वाइफ मान रहे हैं, और ये राजा का बच्चा माँ जी पिताजी कर करके मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अरे भाई की बात है, चलना ना के, तू तो ऐसे ही बैठी है, तैयार हो ले। मैं नहीं जा रही, मेरा हो रहा है दिमाग खराब, तुझे जाना है तो जा। अरे यार इसमें दिमाग खराब की के बात है, उन्होंने खाने पे बुलाया, खाना खा के आऊंगे, खीर भी बन रही होगी, खीर खाने में के परेशानी है, के दिमाग खराब की बात है यार।
वहाँ तो ऐसे ही जाना होता तो ठीक है, वहाँ जाना पड़ता पूरा सिंगार करके। मेरी तो बस की है नहीं, हम तो अपनी रूखी सूखी यहीं खा लेंगे। चल भाई तू ऐसे चाह रही है तो ऐसे कर ले, जो तेरी मर्जी। अब मर्जी बता रहा है, जब तो मना करी नहीं गई तुझसे, जब तो कह दी आ जाएंगे, कुछ भी बहाना बना देता। अरे बड़ों के सामने बहाना नहीं बनाया जाता, उनकी बात माननी जावे, ठीक है ना? तो मान ले फिर उनकी बात। अरे उनकी बात मान रखी है, तू तैयार हो ले चल रहे, ज्यादा परेशान ना हो करते, आ जा मैं बैठा हूँ, तैयार होके आ जा। अरे सालू। हेलो। हेलो। हाँ सालू, कैसी है तू? दीदी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और हमारे पहलवान जीजू कैसे हैं? वो लगे रहे अपनी पहलवानी में। और गुड़िया और सोनू? हाँ वो दोनों भी ठीक है। अब ये बता तू कब आ रही है? हाँ मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं 28 तारीख को आ रही हूँ। ठीक है, मैं स्टेशन पे किसी न किसी को लेने भेज दूंगी तुझे। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। उस्ताद जी। हाँ मालिश। हाँ हाँ मालिश कर। हाँ रुको एक मिनट। एक बार और। उस्ताद जी हमें ही पहलवान बना दो। हाँ मेरी छत्र छाया में रहेगा तो पहलवान तो बनेगा ही। उस्ताद जी मैं भी पहलवान बन जाऊंगा। अरे मेरे ससुरे पौवे से, तू तो पहले ही पहलवान है छटंकी। तुम सही कह रहे उस्ताद जी। ये ड्रामे तो दिखाओ मत ना, आके खीर खा लो, खीर बनाई है। मैंने तुझे सोबर कही कि मैं जब कसरत करूं, जब मैं पहलवानी करूं, तो तू खड़े मत आया कर। मैं बड़ा पहलवान हूं, जब तक मैं दंगल ना मार दूं, यहाँ आना मैं किसी औरत का पसंद ही नहीं करता हूं। चल मैं आ रहा हूं। आ जाना। हेल्ता सुनो तो, हाँ। खीर बननी है। अरे इसमें उबी गिरा हुआ, इसमें उबी गिरा होगा, उबी गिरा होगा और उबी गिरा होगा, उबी गिरा होगा। अरे मेरी सुसरी के न्यू तो बता दे के गेरा होएगा। उसमें खीर में बादाम, पिस्ता, काजू, छुरे, किशमिश, मलाई, पता नहीं के गेरा क्या होगा। ताज एक काम करो, जल्दी कुर्ता पहनो और निकल लो। हाँ आ जाओ, चलो चल रहे, चलो रे। नमस्ते जी। नमस्ते आगे भाई। हाँ जी। अरे शांति, पुष्पा, बच्चे आगे भाई। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओए कितनी सोनी लग रही है। हाँ जी। ऐसे रह कर ओढ़ पैर के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं भी नहीं कह हूँ, कितनी जोर की लग रही है। तेरी साड़ी बड़ी गजब लग रही है। ये तो वही है माँ जी जो आपने दी थी। साड़ी में लग रही। अरे कुछ खाने पीने का भी बूझ ले, ऊपर ले चलो, ठंडे गर्म का इंतजाम हो रहा, फिर खाना खा लेंगे नीचे। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, आओ बच्चों आओ। लो भाई लो। ले ले बेटा, मैं दे रही हूँ घाल के, ले बेटा ले पी ले। बस बस जी इन्हें दो। तू भी पी ले। हाँ भाई राजा ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तुम सुनाओ अपनी पहलवानी का, थारी पहलवानी कैसी चल रही है? मारी पहलवानी कोई जोखे नहीं है, बस वजन थोड़ा थोड़ा करके घट रहा। अरे जब वजन होगा तभी तो लड़ेगा, तुम दोनों इसे निमटा के छोड़ियो। अरे 25 साल के मानस में कम से कम 40 किलो वजन चाहगा नहीं चाहगा? वजन तो बढ़ाना ही नहीं। हाँ खड़े पहलवान तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, नू देखेंगे इतना जंगी पहलवान और वजन ठीक सा। बस यू लड़ लिया, यू तो अपने आप से भी लड़ेगा ना, उसमें भी हार ही जाएगा। पिताजी तुम इन्हें डॉक्टर का क्यों ना दिखाते, इन्हें वजन बढ़ाने कोई दवा सवाई दिलवा दो। तुम सब झूम उठोगे जब इतने कम वजन वाला पहलवान ओलंपिक में उतरेगा और उसके सामने लड़ने वाला कोई नहीं, कोई नहीं होगा और पदक दुनिया भर के लाओगा पहलवान। खाजे में वही रहेगी, तू बता रहे।
हाँ सब पूरे खड़े मनी पूरी दुनिया में जामा पहलवान जामा पहलवान जामा पहलवान जय हो। वैसे तो 41 किलो वजन भी बतेरा जी। भाई साहब 41 किलो भी थम जा तो बहुत है, ये तो दिन पे दिन घटते ही जा रहे। भाई भाई साहब मैं तो एक बात कहूँ, पहलवानी के अलावा भतेरे गए में वे खेल लेते कैरम बोर्ड है, बैडमिंटन है, गोटी खेल ले करो। यू पहलवानी क्यों चुना तुमने? अजी इसे किसी ने ना चुनवाया, यू तो उस कमरे में बड़ा बड़ा वही पहलवान बन गया। वैसे तो इसने खाड़े का मुंह भी ना देखा है। अच्छा जी। हाँ तो भैया मुझे तो ऐसा लगे अक्यू जो पहलवानी है ना इसे कहने में भी दम लगे, समझ गया ना पजामा पहलवान जी? पजामा नहीं जामा पहलवान, जामा पहलवान। ठीक ठीक है जामा पहलवान जी, पर मैं तो न्यू कहूँ तुम रोटी खा के अपना खाट पे बैठे रहे करो, कम से कम इनका सुहाग तो बना रहेगा। अरे क्या कह रहा हूँ, कामर के तुम सारे, अरे मेरा रिकॉर्ड तो बता दो इसे। पहलवान जी ना बड़े बड़े पहलवान मरोड़ रखे, तोड़ मरोड़ रखे, फेंक रखे, फाड़ का कभी सोच। फाड़ दे। मुझे तो लगता नहीं कि इन पे किसी का हाथ मरोड़ा जाता होगा। अरे ओ भाई किसी दिन मेरे अड्डे पे ना दिए, पहलवान नहीं मेरा ख्वाब है। मारा भी? हाँ इनका भी। ओ भाई तुझे जो करना तू वो कर ले, ए? तुझे दो चार आदमी मालिश के लिए और चाहते हो ना, तू उन्हें भी रख ले। अरे भैया जा तू, तेरा जो जी करे उसे कर, खीर बनी है उसे खार, तू सो जा चल। अरे माँ जो तन्ने खीर बनाई है उसमें पहलवान के सारे सामान गेर दिए के बादाम सदाम सब। पहलवान जी का मतलब है पिस्ता काजू बादाम छुआरे सारी चीज है। काजू का बोसो के मारे पहलवान जी को। अरे भैया तू जा, सब चीज पड़ रही है, खा ले जा, चला जा। ओ भाई इसमें इतना कुछ पड़ा तेरे पे पचाया ना जा। राजा बेटा तू एक काम कर, तू इसे अभी अपनी साथ खेतों में ले जाया कर, इसका गात भी वहीं जाके खुलेगा। हम खेती करने के लिए पैदा हुए हैं के, हमें बतेरे काम है? अरे काम ते ध्यान आया, वह तेरी साली सालू भी तो आनी है, उसका लाने का के इंतजाम है स्टेशन ते। क्यों आ रही हूँ यहाँ, उसे अपने घरों कोई काम ना के, उससे न्यू कह दे दंगल के बाद बधाई देना आ जाएगी यहाँ। तेरा बेटा जिधर है वो बेकाम ना आ रही, मेरा जन्मदिन आ रहा इसलिए आ रही, तेरे पे क्या जोर पड़ रहा? अरे ज्यादा बकवास तो कर रहे ना, ट्रैक्टर लेके जाइए और उसे स्टेशन से लेके आ जाइए। अजी मेरे धोर ना इतना टाइम, मैं साली सुली को ढोता फिर के, मैं हूँ पहलवान आदमी। हाँ। मैं बीर बनी लगता हुआ अच्छा लगवा के। बिल्कुल भी नहीं, बीर बनी ढोते अच्छे लगेंगे। हाँ? अबे चलो यार खाना खाते हैं। चलो पिताजी तुम इन्हें छोड़ दो, मुझे बता दियो मैं ले आऊंगा। चल भाई यह ठीक है तू ही ले आइए। अब तुम सारी बात खत्म करो, खाना खाओ और चलो। हाँ ठीक है भाई चलो चलो भाई। करम सिंह हाथ छोड़ मेरा। अरे!